ये पापा क्या करते थे? पापा ऑटो चलाते थे, अभी भी ऑटो ही चलाते हैं। और आप लोग का पढ़ाई वगैरह कैसे हुआ, कहाँ से हुआ मतलब? हाँ, गांव से हुई है, सरकारी स्कूल से। पापा की कुछ बुरी आदतें जो यहाँ पे शेयर किया, मतलब वही ड्रिंक को लेके उनके, मतलब ड्रिंक करते थे। हाँ, पापा जॉब तो करते ही थे, तो ड्रिंक की वजह से मम्मी को भी जॉब करना पड़ता था। तो पापा अगर हमारे ठीक होते तो शायद हम एक्सपेक्ट करते कि अच्छे मुकाम पे होते। दोनों मिला करके आपका कितना एवरेज इनकम हो जाता मंथली? हाय दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए एपिसोड पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट है वो दो भाई है, एक है अंकित, एक है अभिषेक। ये दोनों मिल करके जो है एक YouTube चैनल चलाते हैं। वैसे तो अभी आज के डेट पे दो चैनल है जहाँ पर वो लोग ऑनलाइन इनकम कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका 3 वेबसाइट भी है। तो अगर आज का ये पॉडकास्ट आप लोग देखते हो तो आप लोग को YouTube के साथ साथ वेबसाइट के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा कि आपको अगर वेबसाइट से अर्निंग करना है तो कैसे करना है, क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी 3 वेबसाइट है जहां से वो लोग ऑनलाइन इनकम भी कर रहे हैं, मोनेटाइज है, पैसा भी आता है, YouTube से भी ऑनलाइन इनकम आता है। उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा तो उनके पापा जो है ऑटो चलाते थे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना कुछ खास नहीं था, बट इन लोगों ने मेहनत करके खुद आज ये मुकाम हासिल किया है। और ये एक प्रॉपर गांव से बिलोंग करते हैं, फिर भी वहाँ पर ज़्यादा सोर्सेस नहीं होने के बाद भी उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन ही सीखा और आज के डेट पर ये चीज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन से पैसे कमा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, आज का ये वीडियो पूरा देखना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। तो सबसे पहले अभिषेक भाई, आपका वेलकम है हमारे पॉडकास्ट पर, एंड अंकित भाई, तो आप बड़े हैं, हाँ। आप छोटे भाई हैं ना, तो ये दो भाई हैं आप लोग। कैमरा फेस आप करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो कौन बनाता है? मैं। यूट्यूब पे वीडियोस आप बनाते हो, वेबसाइट आप मैनेज करते हो, हाँ। तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे बता पाओगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपके बारे में, थोड़ा सा बचपन के बारे में, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से? तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप काफ़ी दूर से आए। ये हमारे लिए एक सपना था, मतलब जब से आपको देख रहे हैं ना, तो पहले सोचते थे कि मिले, और जब मिले कब से मेरे वीडियोस देख रहे हैं आप? जब आपके 40,000 सब्सक्राइबर्स थे तब। 40,000 मतलब बहुत पुराने आप मेरे, बहुत पुराने ऑडियंस। चलिए, थैंक यू सपोर्ट देने के लिए, वहाँ से मतलब आप मुझे देखते आ रहे हैं, तो आप मेरे एक रेगुलर व्यूअर हैं, उसके लिए भी आपको थैंक यू। सीखा है कंसिस्टेंसी प्लस बहुत सारी चीजें यूट्यूब के बारे में, मतलब कनेक्ट कर पाते हैं सीधा आपसे। तो आपका बचपन, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से? हम बलिया जिला से बिलोंग करते हैं, जो कि यूपी में। गांव का नाम क्या है? चकुसरेला, बलिया में आता है। मतलब प्रॉपर छोटा सा गांव है, लेकिन पूरा गांव ही है, पूरा गांव है। जैसे नेट भी नहीं चलता अभी भी, अभी जैसे मैं भी एक गांव में ही रहता हूँ, आप लोगों ने तो देखा मेरा गांव, आपको मेरे भी गांव से और ज्यादा गांव है कि इससे भी बहुत डेवलप है, आपको बहुत डेवलप, मतलब उससे भी ज्यादा गांव है, वहाँ पर ऐसा कोई सुविधा नहीं है? नहीं। अच्छा, वाईफाई का वहाँ पर अभी तक कनेक्शन है? नहीं है ना, बिजली रहता है प्रॉपर? बिजली लाइट अब रह रही है, पहले नहीं, पहले दिक्कत होता था, अभी है ठीक ठाक। तो ये पापा क्या करते थे? पापा ऑटो चलाते थे, अभी भी ऑटो ही चलाते हैं, अभी भी करते हैं, तो ऑनलाइन इनकम करते हैं, लेकिन पापा जो है अपना ड्यूटी नहीं छोड़े हैं, नहीं छोड़े। और आप लोग का पढ़ाई वगैरह कैसे हुआ, कहाँ से हुआ मतलब? सरकारी स्कूल से ही है, गांव से ही? हाँ, गांव से हुई है सरकारी स्कूल से, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ फाइनेंशियली दिक्कत होने की वजह से, तो पापा जब दिल्ली गए थे जैसे जॉब करने के लिए, तो हम लोग छोटे थे उस समय, तो हम लोग भी मतलब पापा लेके चले, क्योंकि गाँव में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल था। पापा अच्छा, मतलब बाहर जाना पड़ा काम करने के लिए, पापा ऑटो वहीं चलाते थे वो, दिल्ली में ही चलाते थे जा करके। तो आप लोग का पढ़ाई वगैरह वहीं से हुआ है? सरकारी स्कूल से वहीं से हुआ है। कहाँ तक, 1 to 10? ये 5th तक, मतलब मेरा 6th तक, और भैया का हाई स्कूल। अच्छा, और वो आपका दिल्ली में हुआ। अब बाकी फिर आप लोग गांव वहाँ से आ गए, वहाँ से गांव आना मतलब क्यों पड़ा जब आप दिल्ली में रहते थे? तो ये थोड़ा मतलब अनकम्फर्टेबल सा रहेगा बताना, क्योंकि पापा की कुछ बुरी आदतें जो यहाँ पे शेयर किया, मतलब वही ड्रिंक को लेके उनके, मतलब ड्रिंक करते थे, अल्कोहल का लत लगा हुआ, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मतलब वो करना पड़ता था, हेल्प नहीं मिलती थी कहीं से, और हर एक चीज़ को मतलब मैनेज करना मम्मी के लिए बहुत मुश्किल था। मम्मी को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था। जैसे पापा जॉब तो करते ही थे, तो ड्रिंक की वजह से मम्मी को भी जॉब करना पड़ता था, जैसे हम लोग को मैनेज करने के लिए, हमारी स्टडी हो गया, हमें ट्यूशन की फीस तक नहीं मतलब भर पा रहे थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत, इसलिए हम फिर गाँव आना पड़ा। तो फिर से आप लोग गाँव आ गए, गाँव आके फिर आपका पढ़ाई गाँव से हुआ? गाँव से पूरा कम्प्लीट। दोनों का एजुकेशन क्या है मतलब? मैं डिप्लोमा कर रखा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा, गवर्नमेंट में मतलब आपने ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपने पास किया होगा, तो गवर्नमेंट से एंट्रेंस दिया था। और आप? मेरा भी ग्रेजुएशन हो रहा है, ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, मतलब पढ़े लिखे आप लोग अच्छे खासे हो, तो वही गवर्नमेंट से ही चल रहा है, जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है गवर्नमेंट से ही चल रहा है। तो थोड़ा पापा का मतलब ऐसा अल्कोहल वगैरह का लगता है? पापा अगर हमारे ठीक होते तो शायद हम एक्सपेक्ट करते कि अच्छे मुकाम पे होते, मतलब इससे भी बेटर होते।
तो अब ये बताओ, जैसे ये ऑनलाइन सेक्टर में कैसे आने का, मतलब कैसे आइडिया कहाँ से आया, यूट्यूब वगैरह? ऑनलाइन में जो भी चीज़ है ना वो भैया को आई थी और भैया से फिर मेरे में। ऐसा ही पहले आपने रिसर्च किया? मैं डिप्लोमा करता था 3 साल, मतलब कानपुर में रहा हूँ, तो वहाँ पे जो हॉस्टल में मतलब जो यूट्यूब वगैरह लोग बहुत देखते थे, तो मुझे अपॉर्चुनिटी उसमें दिखी, तो मैं वहाँ से वीडियोज़ वगैरह देखता था, मुझे फिर अर्निंग के बारे में पता चला, तब से मैं आपको भी फॉलो करूँ तभी से, कि आपने जब अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, हाँ, कोई पैसा कमा सकता है, तब वहाँ से मतलब वाइंस वगैरह दिमाग में क्या था कि मार्केट में कोई था नहीं कि कैसी वीडियो बनानी है, कोई मतलब गाइड करने वाला गाइड नहीं था, वाइंस ही बनता था जो लोग कंज्यूम करते ज़्यादा, तो आइडिया नहीं होता है कि हम ट्राई करते, ट्राई किया था लेकिन नहीं चला, फिर वही है कि कैमरा। अच्छा, वाइंस वगैरह भी आपने ट्राई किया? ट्राई किया था लेकिन। तो वो सब चैनल अभी नहीं है? नहीं है, सब खत्म। तो पहला ऐसा कौन सा चैनल था जिसमें थोड़ा सा ग्रोथ आपको देखने को मिला था वैसे कि हाँ हम इसमें मतलब कर सकते हैं? टेक कैटेगरी का ही चैनल था पहला। उसमें शायद आप मूवीज वगैरह आपने बताया था मुझे कि अपलोड करते थे ना, जो जैसे अपकमिंग जो अभी लॉन्च, जैसे मूवी नहीं हुई है, लॉन्च होने वाली है जस्ट, तो हाइप बहुत ज़्यादा बना रहता था, तो रिलीज नहीं हुई थी, अगर कोई उससे रिलेटेड अगर वीडियो डालते थे तो इतना ज़्यादा तगड़ा व्यूज आता था, जैसे कोई नए चैनल पे अचानक से उतना व्यूज आना मुश्किल होता है, तो अगर चैनल मोनेटाइज हो, उस समय तो मोनेटाइज था ही, कैसे मोनेटाइज कर लेते हैं, और अर्निंग बहुत ज़्यादा होता था उस समय। उस टाइम मतलब आप बताते थे कि मूवी को कैसे डाउनलोड कर लें ऐसे वैसे वीडियो ना, और उस टाइम दिक्कत नहीं होता था, स्ट्राइक वगैरह नहीं आता था, तो पैसा आपका इनकम बहुत आता था। तो उसके बाद वो चैनल टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट कर दिया यूट्यूब ने, क्योंकि अभी स्ट्रिक्ट ही इतना ज़्यादा हो गया, सीधा स्ट्राइक आ गई। तो उसके बाद फिर आपने कौन सा चैनल बनाया? फिर यही मोबाइल ज्ञान जो अभी चल रहा है। चल रहा है आज के डेट पे जो आपका चैनल है उसमें कितना सब्सक्राइबर है? 63K प्लस है। 63K उसमें सब्सक्राइबर्स है, जिसमें आप क्या बेसिकली क्या वीडियोस अपलोड? जो भी रिव्यूज वगैरह है, जैसे अपकमिंग स्मार्टफोन्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह भी, जो भी अपकमिंग स्मार्टफोन्स यानी लॉन्च होने वाले होते हैं तो उसके बारे में बताते हैं, बताना जैसे स्पेसिफिकेशन क्या होगा, नहीं होगा, रिलीज डेट का, प्राइस क्या हो सकता है। तो वो आपको स्मार्टफोन वो गैजेट आपको मिलता है या फिर आप फोटोज वगैरह यूज करके दिखाते हैं? जो ब्रांड्स के ऑफिशियली उसके टीजर आ जाते हैं तो उसके बेस पे बता देते हैं। अभी क्या है ना, आइडिया कहाँ से है इस चीज का, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, पैसे है नहीं कि हम कोई स्मार्टफोन ऑर्डर करें फिर उसको रिव्यू करें, खुद वीडियो बनाने के लिए जब फ़ोन नहीं है तो रिव्यू कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में वैसे भी ब्रांड जो है रिव्यू यूनिट देता भी नहीं है, जब तक आपका चैनल कुछ बड़ा अच्छा खासा ना हो जाए तब तक नहीं। ये चीज़ है, और ये भी तो है मतलब खुद, जैसे अगर कोई वीडियो क्वालिटी है तो हमारे फ़ोन में कैमरा अच्छा था नहीं कि हम लोग खुद फेस वीडियो बनाएं अच्छा, तो वही आइडिया कि भाई फेसलेस से स्टार्ट करते हैं, तो फिर वही आइडिया कि जो उनके ऑफिशियल पेजेस होते हैं जितने ब्रांड्स हैं वहाँ से फोटोज़ वगैरह निकालते हैं और वही एडिट करके अपलोड कर देते हैं। उसमें वॉइस रहता है और भी कुछ रहते हैं। चलिए, ये तो यूट्यूब वाला आपका हो गया जर्नी। अब वेबसाइट आप कब से स्टार्ट किए थे? यूट्यूब के साथ ही किए थे या फिर वेबसाइट उसके बाद ओपन किए थे? नहीं, उसके बाद ओपन किए थे, यूट्यूब के बाद। तो वेबसाइट वाला नॉलेज फिर कहाँ से आपको आइडिया मिला कि वेबसाइट? यूट्यूब से ही मिला, जो भी मिला यूट्यूब से ही नॉलेज मिला है, रिसर्च करते करते। जैसे जब लॉकडाउन लगा था तो ऑनलाइन अर्निंग को मतलब बढ़ाने के लिए सोर्सेज जो है यूट्यूब तो है ही, लेकिन गूगल के थ्रू मतलब पता चलता है भाई वेबसाइट वगैरह बना के भी हम अर्न अच्छा खासा कर, आर्टिकल्स वगैरह रीड कर, ब्लॉग। तो फिर जैसे हमारा टेक कैटेगरी है स्मार्टफोन से रिलेटेड, तभी आइडिया आया कि क्यों ना हम एक वेबसाइट भी बनाए इसी से रिलेटेड। क्या है कि वाइस वर्सा रहेगा, यहाँ का ट्रैफिक वहाँ जाएगा और वहाँ से जो ट्रैफिक अगर यूट्यूब पे देखना हो उसको वहाँ देगा, तो दोनों जगह मतलब अर्निंग ठीक ठाक हो जाती है। अच्छा, मतलब ये आपने आइडिया लगा लिया कि दोनों को एक साथ चलाते हैं। तो फिर वेबसाइट आपका, 3 वेबसाइट है? 3 है। आप एक के बारे में बताना चाहोगे? पहले ही बता दिया था। दो के बारे में नहीं बताना चाहोगे? दो रिवील नहीं करना चाहूंगा, सॉरी, क्योंकि कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा करने लगते हैं फिर। हाँ, उसको कोई इशू नहीं है। तो एक वेबसाइट जो आपका मेन जो वेबसाइट है जिसमें अभी अर्निंग भी हो रहा है, वो वेबसाइट के बारे में आप बताना चाहोगे तो बता दो सकते हो। mobilegyans.com तो इसको जैसे आपने रैंकिंग करना है, SEO करना है, ये सब कुछ आपने YouTube से ही सीखा? सब YouTube से ही सीखा। थोड़ा सा अगर मैं आप लोग एज ए बिगिनर में अगर जानना चाहूँ, जैसे ऑडियंस भी काफ़ी सारे ऐसे होंगे जिनको वेबसाइट वगैरह एकदम से नॉलेज नहीं है, जैसे कि मुझे भी नहीं अगर मैं रियली बताऊँ तो अगर मुझे मान लीजिए वेबसाइट स्टार्ट करना है या फिर किसी को करना है तो थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए बताना चाहोगे कैसे स्टार्ट कर सकता है वो? सबको मतलब यही कि डोमेन होता है, जो जैसे एक डोमेन एक होस्टिंग बोल के दो चीज़ कुछ होता है ना, होता है आपको परचेज करना होता है। वैसे है तो फ्री भी अवेलेबल मार्केट में ब्लॉगर पे, लेकिन वो प्रोफेशनली नहीं आप बना सकते उस वेबसाइट को और अच्छा मतलब। और अगर परचेस करते हैं होस्टिंग और डोमेन लेके कनेक्ट कर दीजिए
और मतलब थीम वगैरह है, थीम ही बोलते हैं शायद वो, थीम ही बोलते हैं वेबसाइट का डिजाइन जो करता, जो वर्डप्रेस में है ना, हम इतना जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं कस्टमाइज। जैसे व्यूअर जो कोई आता है तो उसको कैसा मतलब कैसा रोकना है अपनी वेबसाइट, बाउंस रेट जो है कैसा आ रहा है उसी हिसाब से कस्टमाइज करो, और मतलब तो वहाँ से वो लोग कर सकता है। हाँ, तो आपको जब वेबसाइट के बारे में इतना कुछ नॉलेज है तो आपको ऐसा एक चैनल और चलाना चाहिए जिसमें आप थोड़ा नॉलेज इसको भी शेयर करो, है ना। हम लोग यही सोच रहे थे कि ये जो हमारा नॉलेज है एसईओ वगैरह का, कैसे उसको रैंक कराना है, और अभी मैंने आपको आर्टिकल दिखाया था एक जो, हाँ, वो कुछ चीज बोल रहे थे, वो आप थोड़ा बताइए। ड्रोन कैमरा फोन, उस कीवर्ड को मतलब कोई बीट नहीं कर पा रहा है हमारी वेबसाइट, आपका रैंक कर रहा है एक नंबर पे, टॉप पे। जो ऑलरेडी बड़ी बड़ी वेबसाइट है उस पर आर्टिकल लिखी हुई है, लेकिन अभी भी एक नंबर पे वो आर्टिकल हमारा आता है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि टॉप 5 पे रैंक करते हैं, जो कि मतलब हाई सर्चेस कीवर्ड है। ऐसे तो जितने आर्टिकल्स हैं ना उस वेबसाइट के टॉप 10 में हैं, जितने भी आर्टिकल्स। ऐसा एसईओ ही करते हैं हम लोग, ऐसा मतलब कि टॉप 10 में आना ही है, आज या फिर दो दिन बाद आना ही जाता है। तो अब थोड़ा सा अर्निंग वाले सेक्शन पर हम लोग जाएंगे। जैसे पहले तो वेबसाइट के बारे में जानते हैं, वेबसाइट में अब तक आपका हाईएस्ट एक दिन का इनकम कितना हुआ होगा, कितना हुआ है? $200। ये स्क्रीनशॉट है आपके पास? हाँ, मतलब अगर दो दोगे तो मैं वीडियो पे दिखा दूंगा पब्लिक। $200 एक दिन में हो गया था? हाँ, एक दिन में। मतलब अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो वो 16,000 के करीब। अभी मैं जो दिखाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले स्क्रीनशॉट, वो $119 का था, $200 का। अच्छा, होगा तो दे दीजिएगा, जो भी है वो दे दीजिएगा, ठीक है। और मंथली इनकम हाईएस्ट कितना हुआ है वेबसाइट के थ्रू? $1200 कैलकुलेट कर लेगा ऑडियंस यहाँ पे चला के, ठीक है। 1200 मल्टीप्लाई 75 भी कर सकता है, अभी तो 81 हो गया है। एंड YouTube के थ्रू, YouTube के थ्रू आपका इनकम के थ्रू हाईएस्ट $600 हाईएस्ट गया है। अभी आपका एवरेज कितना आ जाता है YouTube? $400 पर मंथ आपका बन जाता है। फोर से मतलब वेबसाइट और YouTube का अगर मिला दे तो 4-5 के बीच में रहता है, मतलब दोनों मिला के नहीं, YouTube का सिर्फ, दोनों मिला करके आपका कितना एवरेज इनकम हो जाता है मंथली? नियर अबाउट $1000। $1000 हो जाता है, बहुत बड़ा अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है। मतलब आप लोगों को और कुछ और नहीं करना पड़ता होगा। अभी उसमें बहुत सारे गेस्ट पोस्ट के लिए भी आते हैं, जैसे स्पॉन्सर वगैरह वेबसाइट उसमें हम अभी नहीं कर रहे हैं। अभी एफिलिएट भी करते हैं, जैसे कोई गैजेट लॉन्च हो गया तो उसके ऊपर आर्टिकल लिख के उसका लिंक दे देते हैं, उस पे वेब स्टोरी बना देते हैं, वहां से फिर उस पे ट्रैफिक आता है। अमेज़न एफिलिएट के बारे में बताता हूं, और YouTube पे भी चलता है अमेज़न एफिलिएट। YouTube पे भी आप अमेज़न का एफिलिएट लिंक, अभी तो ये तो वेबसाइट का और YouTube का अर्निंग है। अभी अमेज़न एफिलिएट जैसे उसका भी जैसे महीने का 20,000 का भी आ गया, 15,000 आ गया। अच्छा, उससे आ जाता है 15-20,000 महीने एफिलिएट, मतलब आप लोग टोटल मिला करके देखा जाए तो लैक्स में इनकम कर रहे हो आज के डेट में, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, एक तो रिसोर्सेज आप लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं था। जब आपने स्टार्ट किया होगा तो आपके पास क्या था, कौन सा फोन था? वैसे फोन से ही किया हो? जियोनी P5 मिनी। अच्छा, एक मतलब एकदम एवरेज सा कोई स्मार्टफोन, उसी से सेकंड हैंड खरीदा हुआ, सेकंड हैंड खरीदा हुआ, क्योंकि मतलब अगर पापा से बोला जाए कि नया फोन खरीद दीजिए तो नहीं है बस कि मतलब खरीद पाएंगे नहीं, ऐसा कोई मतलब कैपेसिटी नहीं, पैसा इधर उधर करके कैसे भी करके सेकंड हैंड फोन लिया। तो वहाँ से YouTube स्टार्ट किया, जब YouTube से पैसे आने लगे तब वेबसाइट बना के जो मतलब वर्डप्रेस जो भी खरीदना पड़ा वहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर दिया, मतलब कमा करके आपने इन्वेस्ट करके फिर उसको धीरे धीरे सही किया, फिर वहाँ से कुछ अर्निंग सोर्स बन गई। चलिए, लोगों के लिए मोटिवेशन है कि एक्सक्यूजेस काफ़ी लोग देते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, फ़ोन नहीं है, कैसे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं थोड़ा सा कर देना चाहूँ ना, तो कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर मेरा आया था घर पे मिलने के लिए, तो उसके पास फ़ोन था वन प्लस का फ़ोन महंगा ही आता है, 18-20 हज़ार से स्टार्टिंग आता है। उसके पास वो फ़ोन था, तो वो बोल रहा ना मुझे गेमिंग करना है लेकिन ये फ़ोन मेरा सही नहीं है, हमको और इससे ज़्यादा हायर वेरियंट वाला कोई फ़ोन चाहिए, अच्छा रैम अच्छा ये। तो हमको बोल रहा था कि आप तो बहुत सारा गिफ्ट करते रहते हैं, हम सुने हैं देखे हैं, तो एक हमको फ़ोन गिफ्ट कीजिए आईफोन। बोले भाई मेरे तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, आप आराम से घर चले जाओ। जब आपके पास वन प्लस का फ़ोन है फिर भी आपको संतुष्टि नहीं है उस चीज़ में, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप कैसे लाइफ में कुछ कर सकते हैं ना। यहाँ नॉर्मल सा आदमी यहाँ 6,000-7,000-5,000 का फ़ोन से यूट्यूबर बन जाता है, अगर आपके अंदर में टैलेंट है, आपके अंदर में करने का जुनून है तो हो सकता है ना। तो आप लोगों का ये स्टोरी सुनकर के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला, लोगों को भी आई होप सो मिला होगा, ठीक है। एंड काफ़ी अच्छा लगा मिल करके, एंड थैंक यू फिर से आप लोगों को उतने दूर से आने के लिए। बनारस काफ़ी दूर है, बलिया से आप लोग आए हुए हैं? बलिया बलिया से कुछ दूरी पे बनारस है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड भाई लोगों का चैनल को मैं सारा मेंशन कर दूंगा, वेबसाइट्स का भी लिंक मैं दे दूंगा, है ना, दे सकता हूँ ना वहाँ से, कोई इशू नहीं।
तो डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चलिए, अभिषेक जी थैंक यू, अंकित जी थैंक यू, बाय बाय।